तो सुपरहिट मूवीज की तो सब बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन सिनेमा की ऐसी कुछ मूवीज भी हैं जो इतनी सुपर फ्लॉप रही हैं कि एक्टर्स भी शर्म से अपना मुंह छुपा लें। आइए आज मैं आपको बताता हूँ ऐसी ही तीन सुपर फ्लॉप मूवीज के बारे में, जिनमें पहली है ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो। आमतौर पर आप ऋतिक रोशन से हिट फिल्म का ही टैग जोड़ के रखते हैं, फ्लॉप फिल्म का टैग आप नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हाँ ऋतिक रोशन ने भी एक फ्लॉप फिल्म दी है जिसका फ्लॉप का लॉस था 55 करोड़ रुपए। मोहनजोदड़ो में टोटल 55 करोड़ का लॉस प्रोड्यूसर्स को हुआ था। दूसरी मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई है, रणवीर सिंह की 83, जिसमें 80 करोड़ का लॉस हुआ था प्रोड्यूसर्स को। तीसरी मूवी है प्रभास की राधे श्याम, जिसमें प्रोड्यूसर्स को 110 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। यार सच में प्रभास भाई को हो क्या गया है? बाहुबली के बाद फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, साहू भी उतनी कुछ खास नहीं रही। प्रभास भाई को कुछ करना पड़ेगा, आदि पुरुष आ रही है। कमेंट में बताइए कि आपको ये बात पता थी या नहीं।